स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। ऑल एग्जाम प्लेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन की और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के नोटिफिकेशन की, जो कि आउट हो चुका है। अप्रॉक्स 892 वैकेंसी हैं टोटल, सिविल सर्विस प्लस आईएफएस मिला के, जिसमें 782 वैकेंसी जो हैं वो हमारे सिविल सर्विस की हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रोहित खेरा है और मैंने बीई की है 2013 में। इसके अलावा मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप पे फॉलो कर सकते हैं इस नंबर पे, टेलीग्राम पे भी मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर फॉलो कर सकते हैं। साथ में चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए साथ में फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन की। अब देखिए 782 वैकेंसी इस बार आई हैं, काफ़ी कम हो गई हैं लास्ट ईयर से। अब अप्लाई कब कब कर सकते हो आप? देखिए अप्लाई आप 7 तारीख से कर सकते हैं, 7 फरवरी से, और 6 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, प्री एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। टोटल वैकेंसी मैंने बताई थी 782 वैकेंसी हैं, ठीक है। अब एज लिमिट क्या है? वही 21 मिनिमम, 32 मैक्सिमम। और ये डेट काउंट ये आपको दी हुई है कि 1/8/2018 को आपकी एज इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगस्त से गिनता है, 1 अगस्त से। और आपकी ये दिया हुआ है कि 2 अगस्त 1986 से पहले का नहीं हो आपका डेट ऑफ बर्थ, और 1/8/1997 के बाद का ना हो, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए वही बोला गया है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उससे रिलेटेड आपकी डिग्री होनी चाहिए। प्रोसेस आपको बताई देते हैं, जो नए लोग हैं जो करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। 3 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। पहले प्रीलिम होगा, क्वालिफाई होता है तो आप मेंस में जाएंगे, मेंस क्वालिफाई होता है तो आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, देन आपका होगा। अप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो 100 रुपीज़ चार्जेस हैं, और फीमेल को कोई पैसे नहीं देने, SC ST को कोई नहीं देने, और जो PW कैंडिडेट हैं उनको भी कोई पैसे नहीं देने, ठीक है। कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं? पेमेंट आप या तो कैश मोड में कर सकते हैं, जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा लें और SBI की कोई भी ब्रांच पे उसका वो डिपॉजिट कर दें, या नेट बैंकिंग है तो SBI से आप कर सकते हैं, या ऑनलाइन डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, रुपए कार्ड से कर सकते हैं। कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है? आप 7 फरवरी से UPSC ये साइड लिखी हुई है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको, upsconline.nic.in पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, जैसे आपको स्कैन फ़ोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 40 KB से दोनों ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 3 KB से कम नहीं होने चाहिए, और सिग्नेचर 1 KB से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए, सबसे पहले जाएं लॉगिन करें, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी UPSC के वो दिखाएगा, फिर आप वहाँ पे जो हमारी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उस पे क्लिक करें और Part 1 को फिल करें, ठीक है। Part 1 फिल कर देंगे, जिसमें नाम, जेंडर और ये सब चीज़ आएगा, वो फिल करना है। उसके बाद फिर आपकी रजिस्ट्रेशन ID जनरेट हो जाएगी, इसको नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दें। फिर Part 2 पे आपको अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन ID और आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद Part 2 में आ गए, यहाँ पे आपको अपना क्या करना है, स्कैन फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है, और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद ये आप का फॉर्म फिल हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो 7 तारीख से चालू है फॉर्म, ठीक है। लास्ट डेट जो है 6 तारीख है, 6 मार्च, ठीक है। पेमेंट 5 मार्च तक कर सकते हैं आप। डेट ऑफ सिविल एग्जामिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट, 6/6 यानी 6 जून को एग्ज़ाम होगा इस बार, ठीक है। 3 जून को इस बार एग्ज़ाम है, 3 जून को इस बार एग्ज़ाम है हमारा, ठीक है, UPSC का। अब मेन एग्ज़ाम जो है इस बार वो है हमारा सितंबर में, मेन एग्ज़ाम है सितंबर में, और प्री है हमारा 3 जून को। तो याद रखिए, कैलेंडर में लिख लीजिएगा आप, 3 जून को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये था वीडियो नोटिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा स्ट्रेटजीज हो गई, बुक्स हो गई, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आपको रिलेटेड बुक्स हो गया, करेंट अफेयर हो गया, या कुछ नोटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेरी हो गई, तो वो भी उस अगले वीडियो में आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक करें, कम से कम चाहता हूँ कि आप इसे 100 लाइक्स दें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।